ब्रीडिंग करो ब्रीडिंग करो ब्रीडिंग करो। गाइस आप लोग मेरे से बहुत दिन से कह रहे थे कि भैया आप ब्रीडिंग क्यों नहीं करवा रहे। लाइक मैंने भी सोचा यार कि हम लोगों ने इतने सारे एपिसोड्स हो गए, इतने मेगा एवोल्यूशंस किए, लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ा, लेकिन हम लोगों ने फिर ब्रीडिंग क्यों नहीं किया यार। तो बस और क्या, इसीलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं ब्रीडिंग, बट वो हम लोग हटके करने जा रहे हैं। लाइक जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इस वाले बेस में हम लोगों का जरा सा भी ब्रीडिंग फार्म नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को पता है यार ये वाला बेस बनाने में तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। एंड इधर यार जगह एंड में कम पड़ गई क्योंकि मैंने उधर पोकेमॉन्स के खाने की जगह रखी थी, ये अपने रहने वाले की जगह, ऑल्दो मैंने ये फ्लोर बनाया था कंप्लीट करना ही मैं भूल गया था, एंड ये अपने पोकेमॉन्स की सोने की जगह, एंड ये जगह से हम लोगों को गाइस अपने पूरे बेस में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो देखो यार इन सब के बीच में तो ब्रीडिंग फार्म बिठाने की जगह नहीं थी, इसलिए तुम्हारे भाई ने एक नया बेस बनाया, ऑल्दो उसको बेस नहीं कह सकते, टूटा फूटा सा ही है, बस मैंने इस बेस से जाके उस बेस पे कुछ सामान रखे है जिससे हम लोग इधर आने के बाद ब्रीडिंग कर सके। लाइक देख सकते हो पूरा खुला हुआ सा एरिया है गाइस, इधर हम लोग जैसे मर्जी वैसे ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो देखो ब्रीडिंग करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, सबसे पहले ब्रीडिंग फार्म चाहिए होता है, इतना बड़ा एरिया है, सो आई होप एटलीस्ट चार तो बैठ ही जाएंगे फार्म्स। तो हम लोग बिठाने का कोशिश करते हैं पहला एक इधर, एंड मेरे पास ना गाइस लुकारियों लोगों की एक आर्मी हो चुकी है, उनको उतारते हैं, वो लोग ना फटाफट सारा का सारा काम करते रहेंगे। इधर हम लोग लुकारियों की ये पूरी आर्मी को उतार देते हैं, ये लोग झटपट सारा का सारा काम खत्म कर देंगे, एंड हम लोग साइड बाय साइड ये ब्रीडिंग फार्म्स बिठाते जाते हैं। गाइस चीजें एनफ है यार, लाइक तुम लोगों को पता है बहुत टाइम से मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, एंड हमारे बेस में डेली बेसिस में सारी चीजें प्रोड्यूस होती रहती है, तो भाई चीजों का तो भंडारा हो गया, लेकिन लिटरली अभी खर्च करने के लिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि थोड़े दिन बाद इतना ज्यादा स्टोरेज भी नहीं मिलता है यार कि रख पाए। ठीक है गाइस मैं सोच रहा हूँ ना ज्यादा नहीं करते हैं, पांच ही ब्रीडिंग फार्म्स रखते हैं। देखो भाई लुकारियो लोग ना अनुबीस लोगों से बहुत ज्यादा फास्ट है, एक 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 झटके में क्या ही काम करते हैं ये लोग। बट मैं सोच रहा हूँ ना इन लोगों को हम लोगों ने खाने का कुछ नहीं दिया, ऑल्दो इनको तो अभी हम लोग हटा भी देंगे, बट स्टिल अगर इस वाले बेस पे अपने पोकेमॉन्स रखेंगे हम लोग, जो कि हम लोग को रखना ही पड़ेगा, तो फूड के लिए एक नॉर्मल सा ना गाइस हम लोग फीड बॉक्स देते हैं, इधर किसी को भी भूख लगेगा तो वो खा सकते हैं, बस हम लोग खाना देना है जो कि इसमें रखा हुआ है। एंड इसके अंदर लेट्स गो 300 मेमोरिस मीट लाया था क्या मैं फ्राई करके, भाई बहुत ज्यादा है, सो वेट तो बहुत ज्यादा ही हो चुका है, बट इसको हम लोग रख देते हैं, अपने बैग में भी खाना है, चलो अपना खाना है ये लोग भी खा लेते हैं गाइस। ऑलराइट देखो गाइस सो सारे के सारे ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन आज मैं ट्राई करने वाला हूँ, जो भी आप लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया है, तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग जिसके लिए तुम लोगों ने मेरे को पागल ही कर दिया था यार, वो है अपना डियाल्गा एंड पाल किया का ब्रीडिंग, सो इनको डालते हैं। लुकारियों की आर्मी को हटा देते हैं, ठीक है इनका अभी कोई तो काम नहीं है गाइस, एंड इनको मैं सोच रहा हूँ रुक जाओ ऐसे करके ना क्लीन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल में 7 लुकारियोस है अपने पास, मतलब इधर रख देते हैं इनको। ऑलराइट सो डियाल्गा एंड पालकिया, भाई मुझे जरा से भी आइडिया नहीं है इनकी ब्रीडिंग से होने क्या वाला है, बट ठीक है डाल के देखते हैं यार। एंड जैसा कि तुम लोग देख सकते हो पालकिया को हम लोगों ने डाल दिया है, एंड डियाल्गा को भी लेके गाइस हम लोग इधर डाल देते हैं, देखते हैं ब्रीडिंग हो सकता है क्या। भाई शुरू भी हो गया, लेट्स गो, हम लोगों को इनको केक भी देना है गाइस, बट ठीक है सबसे पहले ना हम लोग सारे के सारे ब्रीडिंग फार्म्स को फिल कर लेते हैं, एंड लुगिया को लेंगे, लुकिया के साथ तुम लोगों की अलग ही कॉम्बिनेशन है भाई, लाइक ये देखो ठीक है कि एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, उसके साथ तुम लोगों ने गाइस मेरे को कहा था कि इसका कॉम्बिनेशन करने के लिए लाइक वेल्टाल का, मुझे नहीं पता इनके बीच में ब्रीडिंग पॉसिबल है कि नहीं, लाइक भाई एक हो गया फायर टाइप पोकेमॉन एंड लुगिया अपनी ड्रैगन प्लस वाटर टाइप पोकेमोन है, तो पता नहीं यार बट डाल के देख लेते हैं, तुम लोगों ने कहा है तो करना तो पड़ेगा भाई, इधर डाल दिया है, लेट्स गो। इनके बीच में भी ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, लाइक मुझे ना इमें गाइस आइडिया तक नहीं है कि कैसे टाइप का पोकेमोन बन सकता है, लाइक तुम लोग खुद सोच के देखो भाई, एक है फायर टाइप का, एक वो वाटर टाइप का, कुछ अलग यार, ये तो दो डायमेंशंस के अलग ही गॉड पोकेमोन है, इनका तो मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है। अभी अपनी थर्ड ब्रीडिंग के लिए हम लोग लेने वाले हैं रेकवाजा के साथ RCS की ब्रीडिंग, जो की और एक खतरनाक होने वाला है, बट अबे रेकवाजा इतना बड़ा है इसको उठा भी सकता हूँ क्या, अबे शिट आई मुझे नहीं लगता मैं इसको उठा सकता, पकड़ने का तो लाइक कोई ऑप्शन ही नहीं है, लाइक ये देख ओ आ गया आ गया आ गया, चलो आ गया, इसको हम लोग फट से इधर डाल देते हैं, लेट्स गो। ये आ चुका है अपना RCS भाई, मजे में बैठ चुका है इधर खुले में, पता नहीं क्या सीन है, बट इसको भी ले जाके गाइस हम लोग इसके अंदर डाल देंगे,
लेट्स गो, इनके बीच में ब्रीडिंग क्या होगी भाई? लाइक क्या क्रेजी क्रेजी कॉम्बिनेशन से, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। एक क्वाजा के साथ आरसीएस, भाई लेट्स गो। बट ये स्टार्ट हो चुका है अपना, एंड उसी के साथ साथ अपनी चौथी ब्रीडिंग के लिए तुम लोगों ने दिया है लाटियस के साथ अपने लुगारियो की ब्रीडिंग। लाइक एक हो गया फ्लाइंग टाइप, तो भाई एक हो गया ग्राउंड टाइप। पता तो नहीं है कि क्या बनेगा, बट इसको ये भाई वही सेम बात डाल देते हैं। भाई लाटियस रुक जाना यार, अबे इसकी हरकतें देखो यार, इनके बीच में क्या कर रहा है? अबे बाहर आना यार प्लीज। भाई मैं किसी और को पकड़ लूंगा ना, ब्रीडिंग कैंसिल हो जाएगी। लेट्स गो, इसको ही पकड़ लिया मैंने। बस इसको ना चल के गाइस हम लोग इधर सीधा डाल देते हैं। रेक्वाजा को देख सकते हो क्या खतरनाक लग रहा है भाई। बट इनके बीच में भी देख सकते हो ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो देखो गाइस, अपनी चार चार ब्रीडिंग फॉर्म्स तो हो चुके हैं, बाकी बचा है बस एक। सो इसके लिए हम लोग किसको ले सकते हैं? इसके लिए ना गाइस हम लोग चारिज़ार्ड को तो ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग देख इसको एक काम करते हैं गाइस। रुक जा, मेरे को ना एक टॉर्टेरा मिला है, इसको इधर रखते हैं, इसको इधर डाल के टॉर्टेरा के साथ ना चारिज़ार्ड की ब्रीडिंग कर देते हैं। लाइक एक हुआ फायर टाइप ड्रैगन पोकेमॉन, तो दूसरा हुआ अपना ग्रास टाइप पोकेमॉन। लाइक देख सकते हो, बट दोनों ही साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। जिनको भी तुम लोगों में से नहीं पता, मैं बता देता हूँ, मेमोरिस भी गाइस टॉर्टेरा के सामने बच्चा लगता है। लाइक देख सकते हो तुम लोग, इतना ही ज्यादा बड़ा है वो। ठीक है, सारे के सारे तो हम लोगों ने ब्रीडिंग फार्म में ब्रीडिंग के लिए स्टार्ट कर दिया है। अभी बस एक ही काम बाकी है गाइस कि हम लोगों ने सबसे पहले इधर से ये रही केक्स। सो हम लोगों को तुमको पता है कि केक देने का बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है, बिना केक के तो ये लोग अंडे देते नहीं है। एंड सबके हम लोगों को एक एक करके अंडे चाहिए, तो ज्यादा नहीं तीन करके ना मैं दे के रखता हूँ, ज्यादा नहीं भाई, उतना ज्यादा ना गाइस देने का कोई फायदा भी नहीं है। केक कम पड़ गई ना तो दिक्कत हो जाएगा अलग से, तो दो दो करके देते हैं, 10 केक्स का यूज होगा। एंड बाकी कुछ केक्स ना अपने बैग में रख लेंगे, तो वो ना अपने पोकेमॉन जब खाते हैं, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे कि तुम लोगों को बताया कि सैन होता है, ठीक है, उसका तो हर पोकेमॉन का ना टाइम के साथ रिड्यूस होते रहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए बस केक ही इकलौता है ऑप्शन है। तुमको अपने पोकेमॉन को केक खिलाना पड़ेगा। लेकिन इनफैक्ट मैंने इधर भी 45 केक्स रखे हैं, इनको भी मैं उसके साथ ऐड कर देता हूं। ऑलराइट, सो जैसा कि देख सकते हो उधर एक गुमी घूम रहा है। रुक जाओ, ठीक है, इनका ना ब्रीडिंग हो रही थी, बट मुझे ना गुमी बहुत पसंद है यार, गुमी को ना पकड़ने का कोशिश करता हूं। एंड म्योद को देखो भाई कैसे भाग रहा है। लो म्योद भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अबे शिट, डॉच। अबे दो बॉल्स इसने डॉच कर लिए, बट ठीक है, ये वाले पे आ जाना चाहिए, ये वाला म्योद। लाइक अपना लेवल तो बहुत ही ज्यादा हाई है, अभी 89 लेवल के हो चुके हम लोग। बट फिर भी गाइस तुम लोगों को बताया कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं, अभी तक 100 लेवल नहीं जा पाया हूं। बट ठीक है, ये देखो अपना गुमी भाई। ये गुमी मुझे गाइस बहुत ज्यादा ही पसंद है। लाइक यही बात में जाके गुटर बनता है, देखो क्या खुश हो गया भाई। लेट्स गो यार। लाइक तुम लोगों को जिसमें से भी पता है, एश के पास जो गुटर आया था गाइस, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पे स्ट्रॉन्ग था। मियाओ कैसा अजीब सा क्यों है दिखने में? लाइक तुम लोगों को नहीं लग रहा है कि अब मियाओ दिखने में कैसा अजीब सा लग रहा है? बट ये भी खुश हो गया ब्रो। हेलो, अबे ये देखो, ओ भाई लेट्स गो, अपना म्योद भी खुश हो चुका है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, अपना पहला ह्यूज स्कॉर्चिंग एग आ चुका है। एंड मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले ना गाइस अपने बैग की थोड़ी सी क्लीनिंग करते हैं हम लोग। वो चीजें चाहिए नहीं हम लोग वो फेंक देते हैं। ये स्कॉर्चिंग एग भी बहुत ही छोटा पोकेमॉन मिलेगा शायद इससे, तो फेंक देते हैं उसको। ये भी हटा दिया, ये ग्रीन लीव्स हटा दी, पैल्टियम फ्रेगमेंट भी नहीं चाहिए, और भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। सारी चीजें गाइस मैं एक एक करके हटा रहा हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, रुक जाओ यार, बता रहा हूँ तुम लोगों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर बार मैं भाई अपने पोकेमॉन्स का एग भूल जाता हूँ। एंड उसके साथ साथ यार तुम लोगों को बताया गाइस, मैं तुम लोगों को ये बताना भूल चुका हूँ, मेरे को ना ये कॉन्सेंट्रेटेड ऑल पर्पस पैल एक्सट्रैक्ट मिला है। मुझे इसका काम तो पता नहीं है, बट अगर तुम लोगों को में से किसी को भी इसका काम पता है, मेक श्योर मुझे गाइस काम बताना, क्योंकि इसका काम पता नहीं है। क्या पता इससे भी हम लोग पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कर पाए। लाइक गीगा इवॉल्व होता है राइट, गीगा वो वाला अगर कर पाए तो मजा आ जाएगा। एंड मेरे को बहुत मुश्किल से एक ही मिला है, बट ठीक है। अपना फर्स्ट वाला एग हम लोग ले लेते हैं, जो कि है डियाल्गा एंड पालकिया वाला। भाई तू गैलेक्टिक टाइप के पोकेमॉन्स जो कि शैडो एंड आई गेस ड्रैगन टाइप के हैं, उनसे हमको यूथ स्कॉर्चिंग एग कैसे मिला मुझे पता नहीं। पर जैसे कि देख सकते हो ये अपना फर्स्ट अंडा, एंड तुम लोगों को याद रखना है कि कौन सा अंडा किसका है। गलती से भी गई ये वाली चीज मत बोलना, वरना पूरा मजा चला आता है यार। अपना सेकंड वाला अंडा भी तैयार हो चुका है, जो कि है मियोत रिटर्न आजा भाई। यूथ स्कॉर्चिंग एग भाई ये है अपने पेलचाल एंड लुगिया का अंडा, ठीक है यार। लाइक ये याद रखना गाइस, पहला वाला डियाल्गा पाल गया, फिर वेल्टाल एंड लुगिया का, थर्ड में चल के देखते हैं, इनका अभी तक हुआ नहीं है, तो फोर्थ पे भी नहीं हुआ है भाई, कितना टाइम ले रहे ये लोग, इनका अभी अभी होने वाला है गाइस। इनका कंप्लीट हो चुका है। लाइक इधर हम लोगों ने किसको दिया था, आरसीएस द गॉड विद रेक्वाजा,
इन्होंने दिया है गाइस लार्ज डार्क एग। ठीक है चलो, ये तो कुछ अलग मिला है, लाइक ह्यूज स्कॉर्चिंग एग के कंपैरिजन में तो कुछ तो अलग ही मिला है भाई। एंड ये देखो और एक अलग अंडा, ह्यूज वर्तांत एग, जो कि हम लोगों को मिला है लुगिया एंड लुकारियो के ब्रीडिंग से। तो भी हम लोग लगते हैं। एंड अपना लास्ट वाला अंडा, क्या ये तैयार हो गया है भाई? ये लोग सबसे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। लाइक देखो, सब लोगों के पहले पहले अंडे आ गया, आई गेस दूसरा अंडा भी आ जाना चाहिए। लाइक देख सकते हो ऑलमोस्ट दूसरे अंडे का भी मीटर फुल होने वाला, बट उनका अभी तक पहला अंडा रेडी नहीं हुआ यार। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे इन लोगों के लिए भी, क्योंकि ये अंडा भी गाइस हम लोगों को चाहिए। मैं सोच रहा हूँ ना, इधर इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ते गाइस, क्योंकि देखो ब्रीडिंग फार्म में ऐसे छोड़ देंगे ना तो मतलब क्या बोलूं यार, तुम लोगों को सोच के देखो, ये लोग अकेले रह जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इधर बेड वेड नहीं बनाते, इधर अगर हम लोग कभी नहीं बनेंगे तो अच्छे से ना इनके रहने के लिए एक जगह बना देंगे, एक अच्छी खासी बिल्डिंग या फिर लाइक टोना वगैरह ये सब कुछ, वो नहीं दिखता है तुम लोगों को, लाइक स्प्रिंग जैसा वो हम लोग बनाते रहते हैं, तो वो भी बनाएंगे फिर इधर बेड्स लगाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो सारे अंडे, एक अंडा लेना मैं बोल बैट। और ये है इन दोनों का जो कि है लार्ज स्कॉर्चिंग एग। नॉट बैड, नॉट बैड। लाइक हम लोगों को गाइस ज्यादा ही स्कॉर्चिंग एग्स मिले है कुछ, तो इन लोगों को देखो मैं ना इधर इन लोगों को पैल बॉक्स में डाल लेता हूँ, क्योंकि हम लोग अंडे तो मिल चुके हैं एक एक करके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने बेस में। एंड इधर चल के मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं इन लोगों को क्यों निकाला उस वाली बेस से। तो देखो, ये वाले बेस में ना सोने के लिए जगह वगैरह हर एक चीज मैंने बना के रखी है, तो सिंपली हम लोग इन सारे लोगों, लाइक ये अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स है, इन लोगों को हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पकड़ा है, सो इन लोगों को इधर ही छोड़ देता है। एंड मुझे ना एक गाइस ये टॉक्सिसिटी, लाइक अजीब सा ही नाम है ये पोकेमॉन का, मुझे उतना पता नहीं है, बट ये भी मेरे को मिल गया था, तो देखते हैं ये इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकता है कि नहीं। लाइक इधर से मैंने इसको काम दे देता हूँ, फिक्स्ड असाइनमेंट पावर जनरेटर में, हाँ टॉक्सिसिटी कर सकता है, सो हम लोग रख देते हैं। देखते हैं ये बिजली जनरेट कैसे करता है। लाइक बहुत छोटा है यार, लाइक बट खुश है भाई, देखो कितना क्यूट है भाई, इसको तो लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत मजा आता है। बट लेट्स गो, अपने बेस में इलेक्ट्रिसिटी आना स्टार्ट हो चुकी है, लाइक फ्लेम्स भी जल रहे हैं। लाइट्स उधर ही लगाई थी क्या मैंने? बस हाँ उधर ही लगाई थी यार, लाइट ज्यादा गाइस हम लोगों ने लगाई नहीं है, सो रात हो रही है। एक काम करते हैं गाइस, प्यारा सा एक लाइट बनाया था, सीलिंग लैम्प लगाया था, ठीक है ज्यादा कुछ नहीं लगाएंगे वरना ना बहुत ज्यादा ही लाइट हो जाता है। इधर बस एक प्यारा सा लग गया। चलो अब इसको मैं ऊपर चढ़ के बंदर की तरह मुझे बनाना पड़ेगा। अरे यार मैं भी नहीं बना, किसके ऊपर चढ़ सकता हूँ भाई? रुक जाओ रुक जाओ, मैं ऐसे करके करूँ तो डेयर में बना, अबे उसको बनाओ कैसे भाई? अबे शिट, रुक जाओ एक सेकंड। फाउंडेशंस में चल के अगर हम लोगों ने बनाया है इधर एक क्या बनाओ यार, स्टेयर्स बना, चलो स्टेयर्स बन जाएगी, इधर से अपना काम बन जाएगा पूरा का पूरा। तो जल्दी से ये वाली लाइट को भी गाइस बनाते हैं, एंड लेट्स गो, ये लाइट बनने वाली है पूरा का पूरा। अभी देख सकते हो एक कितना ज्यादा लाइट हो चुका है इधर, एक पहले बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, ये वाली साइड में भी उजाला हो चुका है। वो वाला साइड देखोगे ना तुम लोग जहाँ पे पोकेमॉन्स के बेड्स है, उधर मैंने ना जानबूझ के लाइट नहीं दिया, क्योंकि ना रात को फिर लाइट बुझानी पड़ती है इनके सोते टाइम पे। बट ठीक है, बातें बातें तो बहुत हो चुकी है। एंड इलेक्ट्रिसिटी का पता है गाइस, और एक मेजर रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये जो होता है ना गाइस नॉर्मल वाले एग इनक्यूबेटर्स, इनमें ना एग इनक्यूबेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो तुम्हारे भाई ने ना ये महंगे वाले इलेक्ट्रिक एग इनक्यूबेटर्स बनाया है जिनमें लाइक जल्दी हो जाता है। तो इधर देखो, सबसे पहले हम लोग डियालगैन पालकिया वाला एग डालते हैं, एंड इधर हम लोग डालेंगे ह्यूज स्कॉर्चिंग एग, जो कि ये तुम लोगों को बताया लुगिया एंड वेल्टाल वाला। एंड ये वाला मैं भूल गया यार, ये देखते हो यार इसीलिए बोलता हूँ, तुम लोग थोड़ा याद रखा करो, शायद ये अपना रेकवासा एंड आरसीएस वाला है, तो इसको भी हम लोग इधर डाल देंगे। ये वाला था लुकारियो के साथ हम लोगों ने किसकी ब्रीडिंग की थी, लाटियस की, ये वाली उसकी है। एंड ये वाला है अपना चारिजार्ड एंड टोटेरा का। ऑलराइट गाइस, तो सारे के सारे अंडे तो मैंने डाल दिए हैं, ऑलमोस्ट हम लोगों को अभी 40 मिनट का वेट करना है, तो वेट कौन करेगा यार, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से सीधा 40 मिनट। ऑलराइट गाइस, और मैं 40 मिनट तो ज्यादा ही हो चुका है, लाइक एक घंटा हो गया। एंड जैसा कि देख सकते हो सारे के सारे अपने अंडे रेडी हो चुके हैं, एंड इनको अभी हम लोग खोल के देखने वाले हैं कि लाइक इनके अंदर से क्या निकलने वाला है। बट उससे पहले यार, अगर तुम लोगों को ये ब्रीडिंग वाली वीडियो अच्छी लगी है, जो कि मैंने तुम लोगों के डिमांड में बनाई है, एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग किस किस की ब्रीडिंग कराए ये भी तुम लोग कमेंट करते हुए जाना। एंड अभी इसको खोलने वाले हैं, लाइक इधर से खोलते हैं, ठीक है। लाइक सबसे ज्यादा छोटा अंडा तो यही है चारिजार्ड एंड अपना टोटेरा का, इसके अंदर से निकला रिप्टायरो। भाई मैं बोलता था ना तुम लोगों को, मेरे को रिप्टायरो किस जैसे तो पोकेमॉन
पोकेमोन का लगता है सेंस भी बनता है गाइस। लाइक ओरिजिनल में ना चारिज़ार्ड एंड ट्रोटेरा की ब्रीडिंग से ही रेप्टार हुआ है भाई। शिट, सेकंड वाले अंडे को खोलते हैं लुकारियो एंड अपना ये लाटियस वाला एलिजा भी निकला है भाई। लिटरली सारे के सारे अलग अलग पोकेमोन्स निकल रहे हैं एंड इससे अगर हम लोग निकाले ये था आरसीएस एंड रेकवाजा, इससे कुछ खतरनाक। अबे नॉइवन मिल गया। चेट भाई, एक भी नहीं था मेरे पास नॉइवन। ये देखो भाई, रुक जाओ, मैं ना तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। बट सबसे पहले ना इसको खोलते, ये सबसे ज्यादा स्पेशल वाले अंडे होने वाले हैं। ये अपना लुगिया एंड बेल्टाल वाला एग है जिससे निकला और एक बेल्टाल निकल गया। लाइक नॉट बैड, ठीक है यार, ज्यादा नहीं थे, एक ही थे, अपने पास तो काम चला लेंगे। एंड अभी टाइल वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे पहली बार, लाइक पूरे यूट्यूब में तुम लोग ढूंढ लो भाई, तुम लोगों को ऐसी ब्रीडिंग कहीं पे भी नहीं मिलेगी जिसमें हम लोग डियालगा एंड बालिया की ब्रीडिंग देख सकते हैं। तो इससे निकलने वाला है, क्या निकलेगा? अबे इससे भी बेल्टाल निकला भाई। हेलो, अबे शेट, मुझे लगा कम से कम आरसीएस निकलेगा या फिर लाइक कोई नया पोकेमोन निकलेगा, उससे भी बेल्टाल निकल गया। लाइक क्या सेंस बनता है भाई, लुगिया एंड बेल्टाल की ब्रीडिंग की तो उसमें से भी बेल्टाल निकला, बट अपने फिर से ब्रीडिंग की तो उसमें से भी सेम निकला यार। तो ठीक है यार, कोई नहीं, लाइक इतना तो चलता है। क्योंकि देखो, ऑल्दो मुझे लगता है ना गाइस कि वो दो गॉड पोकेमोन्स है ना, तो मुझे नहीं पता यार कि उनका बेबी क्या ही हो सकता था। बट अभी हम लोगों को पता चल चुका है कि वेल्टाल अलग ही लेवल पे पावरफुल है। लाइक इतना तो गाइस हम लोगों को समझ में आ ही चुका है। एंड बट आज की इस वाली ब्रीडिंग से मुझे जो वाला पोकेमोन सबसे ज्यादा पसंद आया है गाइस, वो है अपना नॉइवन। लाइक ये ना मुझे अभी तक पैल वर्ल्ड में भी नहीं दिखा, मैंने इसको कभी पकड़ा भी नहीं। टोटेरा भाई पिचका देगा मेरे को यार। लाइक मेरे को देखना था ये खुश होता है कि नहीं भाई, जैसा कि देख सकते हो भाई क्या खुश हो गया। एंड अपना फर्स्ट नॉइवर्न है भाई, लेकिन ये बच्चा सा नॉइवर्न है जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि देखो यार, अपने कलेक्शन में एक और नया पोकेमोन आ चुका है। एंड तुम लोगों को भी पता है कि जितने सारे नए पोकेमोन हमारे कलेक्शन में आएंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। बट फिलहाल के लिए अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, यही है अपनी पैल वर्ल्ड की आर्मी। एंड जिसमें से अगर मैं हटा दू नॉइवन को, हटाते हैं ये तो बस बिजली प्रोवाइड कर रहा है, सो इसको रखते हैं। चारिज़ार्ड को भी हटाते हैं फिलहाल के लिए, नहीं चारिज़ार्ड को रखते हैं यार। चारिज़ार्ड ऑल तो लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है, बट मैं इसको फिर भी रखा हूँ। बट जैसा कि देख सकते हो, ये है हमारी करेंट लेजेंडरी आर्मी भाई। अपनी पोकेमोन कलेक्शन तुम लोगों को कैसी लगी गाइस, तुम लोग नेक्स्ट मुझे कमेंट्स में बताना। एनीवेज गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन बाय।